तो हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हूँ कैसे आप अपने मोटरसाइकिल जो ब्रेक होते हैं उनको रिवर्स ब्लीड कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, जो नॉर्मल मेथड होता है उसमें हम ऊपर से ऑयल डालते हैं और नीचे से एयर निकालते हैं, जो कि मतलब बहुत टायरिंग सा काम होता है, उसमें प्रेशर बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये काम करने के लिए आपको कुछ सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो जो आपको जो सबसे पहला सामान चाहिए वो ये 60 ml का आपको बड़े वाला सिरिंज चाहिए। उसमें आपको एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा लगाना है जो लेवलिंग के लिए काम आता है, जो मतलब मैकेनिक लोग यूज़ करते हैं लेवलिंग के, और उसको जिपटाई से सिक्योर कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो आपको एक छोटा सा एक और जिपटाई चाहिए और एक मतलब स्क्रू ड्राइवर, जो आपको जो मेन सिलेंडर का जो कवर होता है उसको खोलने के लिए। ठीक है, एक आपको स्पैनर चाहिए होगा जो आपका ब्लीडर वाल्व होता है उसको खोलने के लिए। और जो लास्ट आइटम है वो जो आप ब्रेक फ्लूइड कोई भी यूज़ करने वाले वो। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमें काम करना है वो ये है कि हमें जो अपना मास्टर सिलेंडर है उसको हमें खोल लेना है। ठीक है, तो एक बार मैं अपना मास्टर सिलेंडर खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे करना क्या है। तो फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपने जो मास्टर सिलेंडर उसके दोनों नट खोल लिए हैं। तो हर बाइक का अलग अलग मतलब नट हो सकता है, किसी का ई बाइक में एलन भी लगता है, एलन की भी लगती है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपना जो रबड़ पार्ट है और जो मतलब मेटल का जो मेन कवर था वो हटा लिया, और जैसे आप देख सकते हैं कि जो रबड़ पार्ट है वो बिल्कुल ऑयल जो उस पर बिल्कुल जेली टाइप का जम गया है। तो हमें ये सब साफ़ करना है बाद में। तो जो अभी हमें जो सबसे पहला काम करना है ये कि जो हमारा जो पुराना ऑयल है ब्रेक फ्लूइड है उसको हमें निकालना है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कितना ब्लैकिश हो गया, मतलब जो हम डालते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रेड होता है और अभी मतलब बिल्कुल ब्लैकिश हो गया। तो इसका जो सारा ऐसे ही सिरिंज से हमें भर भर के निकाल लेना है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपना जो सारा ब्रेक फ्लूइड है पुराने वाला वो निकाल लिया, और इसको जो मैं मास्टर सिलेंडर उसको अंदर की तरफ से मैं कपड़े से साफ़ कर रहा हूँ। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अंदर मतलब कोई डायरेक्टिव मेटल पार्ट से स्क्रैप ना करें, क्योंकि अंदर दिक्कत हो जाएगी मतलब अगर स्क्रैप होंगे तो। ठीक है, आपको डायरेक्टली मेटल पार्ट के साथ स्क्रैप नहीं करना है। ठीक है, आपको आराम से कपड़े से साफ़ करना है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपना पूरा जो मास्टर सिलेंडर अंदर ही तरफ से साफ़ कर लिया, अंदर जितना भी ऑयल था डिपॉजिट वो सारा हटा दिया। तो उसके बाद जो आपको काम करना है वो ये है कि जो आपको जो ब्लीडर वैल्व है उसको आपको खोलना है। ठीक है, और उसको आपको जो थोड़ा कपड़े से साफ़ कर देना है, क्योंकि हम जो बाद में इसी के थ्रू अपना जो ऑयल है नया ऑयल है ब्रेक फ्लूइड जो है इसमें पुश करेंगे, इसलिए हमें इसको साफ़ कर लेना है ताकि अंदर इसमें कोई रस्ट या मिट्टी वगैरह ना रहे बाद में हमें काम करते हो। ठीक है, तो उसके बाद जो आपको अपना जो ब्रेक जो ब्लीडर वेल्व है उसको खोल लेना है, और जो आपका जो ऊपर लीवर है ब्रेक लीवर उसको प्रेस करना है 3-4 बार, जिससे कि जो आपका होज में और जो आपका नीचे जो सिलेंडर होते हैं ब्रेक सिलेंडर उसमें जितना भी ऑयल वगैरह बच गया होगा वो सारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा नहीं निकलेगा, थोड़ा बहुत रह जाएगा फिर भी, पर हमें जो ट्राई करना है कि हम मैक्सिमम जितने से ज़्यादा हो पाए वो हम निकाल दें। जैसे आप देख सकते हैं जब भी जितनी बार मैं ऊपर लीवर दबा रहा हूँ तो नीचे ऑयल निकल रहा है हल्का हल्का हल्का, जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल अब ऑयल निकल चुका है। ठीक है, तो उसके बाद जो आपको थोड़ा सा कपड़े से साफ़ कर लेना है, क्योंकि जो ब्रेक फ्लूइड होता है वो पेंट जो क्लच नहीं होती। तो उसके बाद जो आपको जो हमारा सिरिंज था जिसमें हमने पाइप का टुकड़ा लगाया था, ठीक है, वो लेना है, और उसमें हमें जो अपना ब्रेक फ्लूइड जो भी हम यूज़ करने वाले हैं वो भर लेना है। ठीक है, मतलब आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा एयर बबल ना आए, वैसे तो हम बाद में एयर बबल निकाल देंगे, पर ठीक है आपको ध्यान रखना जो छोटे छोटे एयर बबल आ जाते हैं मतलब जैसे हिलता है जब कोई फ्लूइड, तो वो उस टाइप के बबल ना आए क्योंकि वो दिक्कत करते हैं बाद में। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपना जो ब्रेक फ्लूइड है वो पूरा भर लिया सेंज में, और मैं उसमें से एयर बबल जो निकालने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है पूरे मतलब जितने आप मैक्सिमम निकाल सको उतने आपको एयर बबल इसमें से निकाल देने हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपना जो ब्रेक फ्लूइड है बिल्कुल एंड तक ले आया हूँ पाइप के, मतलब इसमें कोई एयर नहीं है। अब उसके बाद आपको जो ये जो आपका पाइप है उसको ब्लीडर वेल्व के मुंह पे लगा देना है, जैसे कि अब देख सकते हैं मैंने इसको कैसे लगाया है। ठीक है, उसके बाद आपको जो अपना जो कोई पाइप है उसको जिपटाई की मदद से सिक्योर कर देना। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास जिपटाई नहीं है तो काम नहीं होगा, पर यह है कि आपको जब हम काम करेंगे जब पुश करेंगे ऑयल को, जब हम ऑयल डालेंगे ब्रेक फ्लूइड, तो आपको जो है पाइप निकले ना गलती से बीच में। ठीक है, तो उसके लिए एक सेफ्टी मेजर है, प्रिवेंटिव मेजर है। तो अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना जिप टाई जो लगा लिया है, ठीक है, सेफली टाइट करके बिल्कुल। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपना जो ब्रेक
ब्लीडर वेल्व उसको ओपन किया तो थोड़ा बहुत एयर बबल जो है उसमें से निकलेंगे, ठीक है। तो उनको ऊपर आने देना, उसको भी आपको निकाल लेना है पाइप दबा दबा के, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में थोड़े से एयर बबल आए, वो ऊपर की तरफ दबा के ऊपर की तरफ कर दिए, ठीक है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस जब तक आप इसको रेस्टिंग पोजीशन में रखें, आपको मतलब ऊपर की तरफ लटका के रखना है, मतलब तार के टुकड़े की मदद से या किसी भी चीज़ में लटका के, ठीक है, आपको नीचे की तरफ लटका के नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना जो ब्लीडर वेल्व है उसको आपको खोलना है और उसमें ऑयल पुश करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो एक बार मैं अभी स्टार्टिंग में 20 ml के समथिंग कुछ ऑयल इसमें डालूंगा। तो मैं आपको एक और दोबारा बता दूं कि आप जब भी रेस्टिंग पोजीशन में अपना सिरिंज रखें, आपको उसको नीचे की तरफ नहीं रखना, क्योंकि जो एयर बबल ऊपर आ जाएगी आपको किसी तार की मदद से आपको उसको ऊपर लटका के रखना, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने 60 ml से स्टार्ट किया था, अब मैं 40 ml पे आ गया हूं। तो अभी मैं एक बार इसको दोबारा से लटका देता हूं किसी चीज़ की वजह से, ताकि नीचे ना जाए, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ऊपर की तरफ दिखाता हूं कि हमारा जो ब्रेक है ऑयल है वो ऊपर मास्टर सिलेंडर कैसा हो गया। तो जैसे आप देख सकते हैं नीचे की जब हमने नीचे से ऑयल पुश किया नए वाला, तो जो हमारा पुराने वाला ऑयल था वो ऊपर आ गया, ठीक है। तो अब हमें दोबारा से इसको भी छोटे वाले सिरिंज की मदद से निकाल लेना है इस वाले ऑयल को भी, क्योंकि हम दोबारा नीचे से नया ऑयल पुश करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपना पुराना ऑयल निकाल दिया। अब दोबारा से आपको फिर वही काम करना है, आपको मतलब 10-15 ml दोबारा से ऑयल डालना है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आपको ये काम 3-4 बार करना है, मतलब 3-4 बार होगा आपको, मतलब 15-20 ml डाल के ऊपर आपको मतलब सारा ऑयल निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल सा आपका जो जितना भी ब्रेक फ्लूड होगा जो पुराने वाला होगा वो सारा निकल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आपको क्लियर ऑयल मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं मैं अपना प्रोसेस कर रहा हूँ, तो मैंने अपना जो 3-4 बार कर दिया ये काम कि मतलब सारा ऑयल निकाल दिया पुराने वाला और नीचे से पूरा नया ऑयल पुश कर दिया। तो उसके बाद मैं अपना जो पाइप है वो हटा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको अपना जो ब्लीडर वेल्व है उसको टाइटली सिक्योर मतलब टाइटली कस देना है, ताकि उसमें से कोई ऑयल ना निकले जब हम ऊपर से प्रेस करें। और आपको जो डस्ट का जो डस्ट या होती है ब्लीडर वेल्व की उसको लगा देना है, और आपको मतलब कपड़े की मदद से साफ़ कर देना है, क्योंकि जो ब्रेक फ्लूड होता है वो मतलब पेंट्स के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा साफ़ कर दिया ताकि मतलब ज़्यादा पेंट मतलब ब्रेक फ्लूड रहे ना पेंट के आसपास, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं मतलब हमारा जो ब्रेक फ्लूड कितना साफ दिख रहा है, मतलब जो स्टार्टिंग में बिल्कुल ब्लैकिश था, मतलब बिल्कुल जैसे ट्रांसपेरेंट ओपेक टाइप का हो गया था, तो अब देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल क्लियर है। तो और आपने एक चीज़ का नोटिस किया होगा कि जो हमारा जो ब्रेक लीवर है उसमें बिल्कुल प्रेशर अभी से ही है, स्टार्टिंग से ही, अगर आप नॉर्मल मेथड से करते तो उसमें आपका प्रेशर नहीं बनता, ठीक है। तो इस मेथड का ये फ़ायदा है कि आपको इसमें प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद जो आपको काम करना है वो ये कि आपका जो ब्रेक फ्लूड है उसको टॉपअप कर देना है। हर बाइक का लेवल अलग अलग होता है, तो इसमें जैसे कि अपाचे 160 में अंदर की तरफ से एक लाइन दी हुई है कंपनी ने, वहाँ तक आपको टॉपअप करना पड़ता है, और बाहर की तरफ से मतलब जो कांच की मदद से दिख जाता है, तो वहाँ तक मैंने अपना जो ब्रेक फ्लूड पूरा टॉपअप कर दिया है, ठीक है। तो अब हमें जो हमारा मोस्टली काम जो ख़त्म हो चुका है, बस अब हमें करना क्या है कि हमें जो अपना मास्टर सिलेंडर है उसको बंद करना है, उसके ऊपर जो कैप वगैरह लगा के, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा मास्टर सिलेंडर को साफ़ कर लिया। तो मास्टर सिलेंडर बंद करने से पहले जो हमारी रबड़ की जो कवर है उसको हम साफ़ कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारा इसमें जो ऑयल है बिल्कुल जेली टाइप का हो गया था, तो इसको हम कपड़े से साफ़ कर लेते हैं आराम से। तो जैसे आप देख सकते बिल्कुल साफ़ कर दिया, इसमें जेली टाइप का जो ऑयल था वो हटा दिया। उसके बाद अपना जो हमारा जो रबड़ कवर है उसको लगा दिया। आपको ध्यान रखना है इसको बीच में से पुश ना करो, नहीं तो ऑयल जो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आपको जो मेन कवर है मास्टर सिलेंडर का वो लगा देना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना जो मास्टर सिलेंडर दोनों कस दिए। आपको जो मेन फ़ायदा इस मतलब इस रिवर्स ब्लीडिंग से होता है कि जो प्रेशर होता है वो आपको बिल्डअप नहीं करना पड़ता, और उसमें कोई एयर नहीं रहता, क्योंकि हम नीचे की मदद से नीचे की तरफ से पुश कर रहे हैं, तो इसमें कोई एयर रहने का चांस होता नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।